दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुरुजी ऑफिशियल और इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि कोरोना वायरस पूरे के पूरे विश्व में किस तेजी से ये फैल रहा है, और अगर हम बात करें भारत में तो ये बहुत ही तेजी से भारत में फैल रहा है। अभी पिछले कुछ दिनों में अगर हम देखें तो करीब 2.75 लाख न्यू केसेस रजिस्टर हुए हैं, और अभी की स्थिति में अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में भी बहुत ही बुरी स्थिति है। और इस स्थिति से निपटने के लिए युवाओं को बेसिकली जागरूक होना बहुत आवश्यक है। और चूंकि 1 मई से वैक्सीन की प्रक्रिया शुरू हो रही है, सभी को वैक्सीन लगना शुरू होगा। 18+ जो भी लोग हैं, जो भी वैक्सीनेट नहीं हुए हैं, उन सबको वैक्सीन लगेगी। तो आप लोगों को क्या पूरी की पूरी प्रोसेस करना है, वो पूरी की पूरी प्रक्रिया को यहाँ पर मैं आपको करके दिखाऊंगा। क्योंकि 18+ बहुत सारे हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है आप लोगों के लिए कि आप लोग ये वैक्सीन अवश्य लगवाएं। तो आइए हम लोग जानते हैं इस पूरी प्रोसेस के बारे में, कंप्लीट प्रोसेस के बारे में, कि किस तरीके से आपको ये पंजीयन करना है कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले आपको ये जो आपको दिखा रहा है यहाँ पर selfregistration.crown.gov.in, इस पोर्टल पर आपको जाना है। यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा और गेट OTP पर क्लिक करना होगा। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP का मैसेज आएगा और 180 सेकेंड्स के अंदर आपको इसको डालना होगा। सबमिट करते ही एक न्यू पेज ओपन होगा। यहाँ आपको अपनी डिटेल भरनी है, कोई भी एक विकल्प चुनकर ID नंबर डालना है, फिर नाम, जेंडर और जन्मतिथि भरनी होगी। इसके बाद नज़दीकी कोविड वैक्सीनेशन सेंटर चुनने का विकल्प आएगा। सेंटर चुनने के बाद आप अपनी सुविधा अनुसार उपलब्ध स्लॉट चुन सकते हैं। जब आपका नंबर आए तो जाकर वैक्सीन लगवा लें, है ना। तो इसके लिए आधार कार्ड आपको ले जाना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं, ये है आपका कोविन जो पोर्टल है, इस पर हम लोग आ चुके हैं, विनिंग ओवर COVID-19। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मोदी जी की एक बहुत ही अच्छी यहाँ पर फोटो आपको दिखाई देगी। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आपका रजिस्टर साइन इन योर सेल्फ, दूसरा है रजिस्टर विथ आरोग्य सेतु। तो आप यहाँ पर आरोग्य सेतु के साथ भी रजिस्टर कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है रजिस्टर साइन इन योर सेल्फ, वेरीफाई सर्टिफिकेट का ऑप्शन भी है, वैक्सीनेटर वगैरह यहाँ पर ऑप्शन है। तो अभी हम फिलहाल की स्थिति में यहाँ पर थोड़ा सा ये एक आंकड़ा दिया हुआ है, इसको हम लोग थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए 1,391.60+ लैक्स टोटल वैक्सीनेशन डोजेस, मतलब इतने अभी वैक्सीन के डोजेस लग चुके हैं। और यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेज की वैक्सीन कितनी लग चुकी है, सेकेंड स्टेज और टोटल वैक्सीनेटेड मेल, टोटल वैक्सीनेटेड फीमेल, और ये सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको दी हुई हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहला ऑप्शन जो है रजिस्टर साइन इन योर सेल्फ, इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। आपको रजिस्टर और साइन इन फॉर वैक्सीनेशन यहाँ पर आपको जाना है। वी विल सेंड यू अ वन टाइम पासवर्ड ऑन योर फोन नंबर। तो दोस्तों यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और गेट OTP पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप आरोग्य सेतु से भी साइन इन कर सकते हैं और उमंग से भी साइन इन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपना मोबाइल नंबर डालता हूँ और इसके बाद आप लोगों के सामने बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने अपना मोबाइल नंबर एंटर कर दिया है, और चूँकि ये सिक्योरिटी पर्पज से मैंने इसके आगे के कुछ डिजिट छुपा दिए हैं। अब मैं यहाँ पर गेट OTP पर क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे नंबर पर एक OTP जनरेट हुआ है, मैं अभी चेक करता हूँ। ठीक है, OTP आ चुका है और मैं इस OTP को यहाँ पर एंटर करता हूँ। इस OTP को एंटर करने के बाद मेरे सामने कुछ डिटेल ओपन हो जाएंगी। तो चलिए मैंने ये एंटर कर दिया है और अब देखते हैं कि क्या ऑप्शन आता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये करने के बाद इस प्रकार से आएगा, योर फोटो ID विल बी वेरीफाइड एट द टाइम ऑफ योर वैक्सीनेशन अपॉइंटमेंट, प्लीज प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ द फोटो ID यू विल कैरी फॉर वैक्सीनेशन। यहाँ पर आपको फोटो ID प्रूफ में आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट या पेंशन पासबुक कोई भी एक चूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आधार कार्ड चूज कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना है और नेम डालना है एज पर आधार। यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करना है, ईयर ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, है ना, और यहाँ पर आपको रजिस्टर करना है। तो चलिए मैं ये सारी डिटेल एंटर करके रजिस्टर पर क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने सारी डिटेल फिल कर दी है, और जैसे ही मैंने यहाँ पर 1993 जो मेरा ईयर ऑफ बर्थ है वो मैंने यहाँ पर एंटर किया, तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन आ रहा है अभी, रजिस्ट्रेशन इज ओपन ओनली फॉर इंडिविजुअल्स विथ एज 45 ईयर्स और ओल्डर, बर्थ ईयर 1
1976 और अर्लियर, यानी कि 1976 और उसके पहले के जन्म के जो लोग हैं उन लोगों के लिए अभी की स्थिति में आपका ये जो है चल रहा है। तो जिन लोगों का बर्थ ईयर 1976 है वो अभी रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल सेम की सेम प्रोसेस 18 प्लस लोगों की है जो कि स्टार्ट होने जा रही है बहुत ही जल्दी। अगर आपके मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप है तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं, और यहाँ से मैं आपको नीचे लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो पूरी की पूरी प्रोसेस वही रहेगी, है ना। अगर आप 18 प्लस हैं तो 1 मई से ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है, तो आप लोग 1 मई से रजिस्ट्रेशन शुरू कर दीजिएगा। जैसे कोई अपडेट आता है इसके लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए, तो मैं कम्युनिटी टैब में आपको डाल दूंगा, वहाँ पर आप इसके बारे में अपडेट हो सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सभी लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।